15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित का निधन हो गया है और इसी फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में शीला दीक्षित ने आखिरी सांस ली। सुबह के वक्त परिवार वाले एकाएक इस अस्पताल में दाखिल हुए शीला दीक्षित को लेकर। शीला दीक्षित की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, उन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था, सुबह के वक्त ही, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश के कारण शीला दीक्षित को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी बार जब हार्ट अटैक हुआ तब उनका शरीर उनका साथ छोड़ चुका था। शीला दीक्षित जिंदगी और मौत की जंग में हार चुकी थी। मौजूदा समय में शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस को उभारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3:55 में शीला दीक्षित ने इस अस्पताल में आखिरी सांस ली। शीला दीक्षित अक्रॉस द पार्टी कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पार्टी का दिग्गज से दिग्गज नेता, वो शीला दीक्षित को बहुत ही नर्म शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, शीला दीक्षित को याद कर रहा है। कई तरह के नेता उनके साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तरह तरह के तरीकों से। और 6 के बाद ईस्ट निजामुद्दीन के घर पर शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर उनके प्रशंसक, शुभचिंतक या जिसकी भी एक क्षण की भी शीला दीक्षित से थोड़ी सी भेंट हुई थी वो पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेगा। कल दोपहर 2:30 शीला दीक्षित को अंतिम विदाई दी जाएगी, निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बहुत बड़ा शून्य कांग्रेस की राजनीति में उत्पन्न हुआ है और देश की राजनीति में भी। कैमरामैन अतुल के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।